50 हजार में पीसी बिल वाली वीडियो में भाई आपको यहाँ पे गेमिंग करना है, एडिटिंग करना है, कंटेंट क्रिएशन वाली काम करना है, किसी भी टाइप की क्रिएटिविटी काम करना है तो आ जाओ, मैं आपको करवा दूंगा। भाई आज जो भी पीसी हम यहाँ पे बिल करने वाले हैं, इसका बजट आपका जो प्राइस ब्रैकेट यहाँ पे 50K से 55,000 के अंदर रहने वाला है दोस्तों। 5,000 रुपए इधर उधर हो सकता है क्योंकि पीसी की जो कंपोनेंट्स की प्राइस बहुत ही ज्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएट करता है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख लीजिए। भाई इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको काफी बढ़िया पीसी, आपको वैल्यू फॉर मनी वाला पीसी आपको बिल करके दिलवा देंगे, जिसके अंदर आपको काफी बढ़िया सा प्रोसेसर, पावरफुल प्रोसेसर रहेगा, अच्छा सा मदरबोर्ड रहेगा, काफी पावरफुल रैम रहेगा एंड भाई लोग ग्राफिक्स कार्ड भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। अगर आपका बजट यहाँ पे 50 से 60,000 के अंदर है एंड काफी प्रो लेवल की पीसी आप यहाँ पे बिल करना चाहते हो तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। भाई हर बार की तरह इस बार भी चलिए शुरू करते हैं पहले प्रोसेसर से। तो भाई लोग यहाँ पे प्रोसेसर में दोस्तों हमने आपके लिए काफी बढ़िया चीज पिक किए हैं, देख सकते हैं इंटेल i5 की 12 जनरेशन की प्रोसेसर दोस्तों आपके लिए पिक किए हैं, 12400F, मतलब लास्ट में जो F वाले प्रोसेसर आपके लिए पिक किए हैं, जो कि काफी बढ़िया आपको पावर ये डिलीवर कर देगा, पूरी तरह से लेटेस्ट जनरेशन वाले प्रोसेसर है एंड ऑब्वियसली बात है दोस्तों आपको यहाँ पे 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स की सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। भाई लोग 8MB की कैचिंग स्पीड आपको देखने के लिए मिल जाता है और भाई लोग इसका क्लॉक स्पीड की ऊपर बात करें तो आपको यहाँ पे 4.4 GHz तक क्लॉक स्पीड आपको देखने के लिए मिल जाता है एंड यहाँ पे आराम से आप DDR5 DDR4 किसी भी टाइप की रैम को इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे आपको कमी महसूस होने नहीं देगा एंड आपको दोस्तों LGA सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है, माइक्रो ओटीएस वगैरह सारी चीज की सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, तो काफी फ्यूचर प्रूफ वाली प्रोसेसर ये आपको बन जाता है एंड काफी कंटेंट क्रिएशन वाले जो बंदे होते हैं इस प्रोसेसर की दोस्तों हेल्प से आपका जो क्रिएटिविटी काम करते हैं तो काफी बढ़िया आपको ये परफॉर्मेंस डिलीवर कर देगा, तो किसी भी जगह पे आपको यहाँ पे कमी महसूस होने ये प्रोसेसर आपको नहीं देगा। तो भाई लोग यहाँ पे प्रोसेसर के बाद अगर कोई मेजर कंपोनेंट हमारा हो जाता है इस प्रोसेसर को, जो हमारा सपोर्ट करने वाली जो चीज रोकी है दोस्तों मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड में काफी बढ़िया चीज आपके लिए यहाँ पे चेकआउट की है, देख सकते हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों MSI Pro वाला H610M वाली मदरबोर्ड दोस्तों आपके लिए पिक की है, देख सकते हैं आपको यहाँ पे DDR4 की मदरबोर्ड यह देखने के लिए मिलता है, माइक्रो ओटीएस वगैरह हमारा जो प्रोसेसर में जो चीज सपोर्ट करता है यहाँ पे भी बढ़िया तरीके से यहाँ पे अच्छा आपको पावर ये डिलीवर कर देता है। लोग आपको यहाँ पे इंटेल 12 जनरेशन की सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है, मतलब ये डेडिकेटेड ही दोस्तों हमारा उस प्रोसेसर के लिए मदरबोर्ड हमारा यहाँ पे बनाया गया है एंड बढ़िया स्पीड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। भाई लोग यहाँ पे 3200 MHz की स्पीड आपको सपोर्ट कर लेता है, 4.0 वाली स्लॉट देखने के लिए मिल जाता है आपको, NVMe M.2 वाला स्लॉट देखने के लिए मिल जाता है, USB 3.2 वाला स्लॉट आपको देखने के लिए मिल जाता है, LAN पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, HDMI VGA सारे चीज की आपको यहाँ पे बंदोबस्त देखने के लिए भाई मिल जाता है, किसी भी चीज की आपको यहाँ पे कमी महसूस होने नहीं देगा। भाई इसका प्राइस भी काफी तगड़ी बजट के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है, देख सकते हैं आपको 6,430 रुपी के अंदर अभी देखने के लिए मिल रहा है मार्केट प्लेस के अंदर। तो भाई लोग इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये जो हमारा मदरबोर्ड है ना दोस्तों काफी खतरनाक चीज यहाँ पे हो जाता है दोस्तों, 11,500 रुपये में ये प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो और क्या चाहिए भाई, काफी तगड़ी प्रोसेसर के साथ खतरनाक मदरबोर्ड भी मिल रहा है काफी बढ़िया बजट के अंदर। भाई सीन बहुत ही खतरनाक होने वाला है दोस्तों आज, तो उसके बाद जो मेजर कंपोनेंट हमारा हो जाता है ये सारे चीज को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, जो कि दोस्तों एक अच्छा सा पावरफुल वाली रैम, तो रैम में दोस्तों हमने आपके लिए यहाँ पे पिक किए हैं, देख सकते क्रूजियल की 3200 MHz वाला DDR4 रैम पिक किए हैं, 16 GB की रैम दोस्तों ये पिक किए हैं, देख सकते हैं काफी बढ़िया सिंगल स्टिक पिक किए हैं, और आप यहाँ पे बाद में आपका काम अगर बढ़ जाता है तो और एक 16 GB आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो, 32 GB तक आपका रैम को यहाँ पे एक्सपेंडेबल कर सकते हो। तो पहले दोस्तों 16 GB से हमने यहाँ पे स्टार्टिंग की है, देख सकते हैं इसका प्राइस भी काफी बढ़िया बजट के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है, 2999, मतलब 3000 बजट के अंदर ऐसा एक पावरफुल 16 GB की रैम मिलना दोस्तों सोने पे सुहागा वाली बात है, तो इसका प्राइस भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, तो 3000 से कम भी बजट के अंदर आपको देखने के लिए चीज मिल जाता है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। भाई लोग ये 3200 MHz की रैम तो किसी भी जगह पे आपको स्पीड में कमी महसूस होना नहीं देगा, तो रैम के बाद जो मेजर कंपोनेंट्स हो जाता है दोस्तों हमारा परफॉर्मेंस में, जो कि दोस्तों एक अच्छा सा स्टोरेज, तो स्टोरेज में दोस्तों हमने आपके लिए पिक किया है NVMe SSD, जो कि भाई लोग ये क्रूजियल का P3 500 GB PCIe 3.0 वाला NAND NVMe M.2 वाला SSD है, यहाँ पे स्पीड आपको दोस्तों 3500 MB/s तक की देखने के लिए मिल जाता है, तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो तो कितना स्पीड आपको ये देखने के लिए मिल जाता है एंड काफी बढ़िया परफॉर्मेंस ये आपको डिलीवर कर देगा, किसी भी जगह पे लैगिंग की एंड फ्रेम ड्रॉप की इश्यू आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड भाई लोग उसके बाद जो हमारा कंपोनेंट्स हो जाता है, जो कि है एक अच्छा सा ग्राफिक्स कार्ड, भाई लोग इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर अच्छा सा पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड को यहाँ पे पिक करना काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले हो जाता है, तो काफी देर मेहनत करने के बाद भाई लोग यहाँ पे 30 से 35 हज़ार बजट चला जाता है हमारा ग्राफिक्स कार्ड में, तो इतना बजट तो हम यहाँ पे डाल नहीं सकते क्योंकि हमारा ऑलरेडी यहाँ पे बजट 20 से 25 हज़ार जा चुका है इस सारे कंपोनेंट्स को पिक करने, तो हमारा बजट यहाँ पे था 20 से 25 हज़ार के अंदर, मतलब 20 to 25,000 के अंदर एक अच्छा सा ग्राफिक्स कार्ड पिक करना था, तो हमने आपके लिए यहाँ पे पिक किए हैं, देख सकते हैं GIGABYTE की NVIDIA GeForce RTX 3060 वाला ग्राफिक्स कार्ड दोस्तों आपके लिए पिक किए हैं, देख सकते हैं 12 GB की DDR6 की ग्राफिक्स कार्ड है दोस्तों, काफी खतरनाक एंड
पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड है। इसको दोस्तों अगर आपका यहाँ पे बजट 30 से 60,000 के अंदर है तो इस ग्राफिक्स कार्ड को ले सकते हो एंड काफी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको ये दे देगा। और आपका बजट यहाँ पे 30 से 40K के अंदर है, मतलब 30 से 40,000 बजट के अंदर आपका बजट यहाँ पे ज्यादा नहीं है, आपका सिर्फ उतना ही आपको बजट है, तो उसके अंदर आप यहाँ पे ये सारे कंपोनेंट्स के साथ आपका जो AMD की जो 580 वाला ग्राफिक्स कार्ड जो आता है दोस्तों उसको भी चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि वो भी आपको यहाँ पे 8GB का ग्राफिक्स कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। एंड भाई लोग उस वाली ग्राफिक्स कार्ड में आप यहाँ पे 1080p में सारे चीज मक्खन की तरह कर सकते हो, कोई भी आपको यहाँ पे लैगिंग एंड फ्रंट रोड की इश्यू कोई भी आपको कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा। उस ग्राफिक्स कार्ड के साथ आप यहाँ पे 1080p में सारे चीज यहाँ पे तोड़फोड़ कर सकते हो एंड काफी बढ़िया वैल्यू फॉर मनी वो चीज आपका बन जाता है। वो ग्राफिक्स कार्ड आपको दोस्तों 10 से 12,000 बजट के अंदर वो देखने के लिए मिल जाता है, तो उसको भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो आपका यहाँ पे बजट की इशू है तो। और आपका बजट की इशू नहीं है 50 से 60,000 के अंदर है तो इस वाले तबाहीदार वाली ग्राफिक्स कार्ड को ले सकते हो, ये काफी बढ़िया आपको परफॉर्मेंस डिलीवर कर देगा। ये जो ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस आपको यहाँ पे 25,000 के आसपास देखने के लिए मिल जाता है, तो ये बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट होता है दोस्तों, इसको आप यहाँ के हिसाब से देख लीजिए। और आप यहाँ पे ऑफलाइन में जाएंगे तो ये आपको और भी कम प्राइस में देखने के लिए मिल सकता है। भाई लोग जब यहाँ पे ये सारे चीज परचेस कर लेते हैं तो एक अच्छा सा पावर सप्लाई भी दोस्तों आपके लिए चेकआउट किए हैं, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड यूज कर रहे हैं तो हैवी काम होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे जो नॉन मॉड्यूलर वाला पावर सप्लाई उसको तो हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो नॉन सर्टिफाइड वाला पावर सप्लाई, तो आपके लिए यहाँ पे उसका बढ़िया बजट के अंदर एक बढ़िया सा सर्टिफाइड वाला पावर सप्लाई आपके लिए पिक किया हूँ। देख सकते डीप कूल की PK 550W वाला पावर सप्लाई आपके लिए शॉर्ट लिस्टेड किया हूँ दोस्तों। यहाँ पे आपको 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड वाला पावर सप्लाई है, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, काफी बढ़िया है दोस्तों। पूरी तरह से गेमिंग पीसी में इस पावर सप्लाई को इस्तेमाल कर सकते हो, जो बहुत ही बड़े बड़े गेमर होते हैं दोस्तों इस टाइप का पावर सप्लाई इस्तेमाल करते हैं, जो कि पूरी तरह से सर्टिफाइड वाला होता है, जिसके वजह से यहाँ पे आपको फ्यूचर में कोई भी जगह पे आपका मदरबोर्ड में होगा आपका किसी भी कंपोनेंट्स को ये डैमेज नहीं करेगा, काफी बढ़िया आपको पावर के मामले में ये हैंडल कर लेगा। भाई जब ये सारे चीज चेकआउट कर ही लिए तो एक अच्छा सा तगड़ी वाली गेमिंग वाली भाई यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली जो अभी ट्रेंड में चल रहा है काफी व्हाइट थीम टाइप का एक पीसी का कैबिनेट भी दोस्तों आपके लिए यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कर दिया हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे कितना खतरनाक लुक है भाई लोग, ये भाई मतलब व्हाइट थीम में काफी अच्छी आपको भाई भी ये प्रोवाइड कर देता है, पूरी तरह से गेमिंग की भाई आपको ये प्रोवाइड कर देता है, तो खतरनाक वाली चीज है दोस्तों। ये आपको देख सकते हैं 8 Esports की तरफ से 100AR इसका मॉडल नंबर है, माइक्रो टेस्ट की सारे सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है, पूरी तरह से गेमिंग की कैबिनेट है दोस्तों। एंड आपको प्री इंस्टॉल 2 Rambo फैन आपको देखने के लिए मिल जाता है फ्रंट वाली साइड पे बैक वाली साइड पे, तो इसको आप आराम से चेकआउट कर सकते हो। भाई लोग इसका प्राइस भी काफी इंटरेस्टिंग है, देख सकते हैं 2699, मतलब 2700 रुपये के अंदर ऐसा एक खतरनाक वाली कैबिनेट मिलना दोस्तों सोने पे सुहागा वाली बात है। पूरी तरह से जो हाई क्वालिटी वाली जो हमारा हाई बजट में जो पीसी होता है दोस्तों 1-1.5 लाख उस टाइप की भाई आपको ये प्रोवाइड कर देता है, इसको आप यहाँ पे आपका जो कैबिनेट के मामले में इस्तेमाल कर सकते हैं। और भाई लोग ये सारे कंपोनेंट्स को आप यहाँ पे चेकआउट करके इसको अगर असेंबल कर चुके हैं तो कंग्रेचुलेशन, आप यहाँ पे एक खतरनाक वाला मतलब मार्केट में जो मिल रहा है टॉप नॉच वाली कंपोनेंट्स की मदद से एक अच्छा खासा पीसी बिल्ड कर चुके हो, जिसके अंदर आप यहाँ पे आराम से कंटेंट क्रिएशन वाले का वीडियो एडिटिंग हो गया आपका गेमिंग हो गया इसी टाइप के काम तो दोस्तों मक्खन की तरह चला सकते हो, कोई जहाँ पे आपको दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगा, काफी लॉन्ग टाइम तक इसको आप इस्तेमाल में ले सकते। भाई लोग ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को प्लीज लाइक ठोक देना है। ऐसे पीसी से रिलेटेड टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे टेक्निकल गैजेट से रिलेटेड अनबॉक्सिंग एंड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आते रहते हैं, तो ऐसे वीडियो को पहले देखने के लिए अभी से हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना। अगर भाई लोग ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक ठोके आपके दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट भाई लोग यहाँ पे दिखा दीजिए। एंड अगर भाई लोग ये सारे कंपोनेंट्स को आप यहाँ पे चेकआउट करना चाहते हो तो www.trackinpc.com, तो यहाँ पे स्पेलिंग को सही से देख लीजिए, trackinpc.com में जाके विजिट करके विजिट स्टोर के ऊपर क्लिक करके ये सारे कंपोनेंट्स को आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, एक ही जगह में सारे चीज आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो यहाँ पे ढूंढने वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर मिलते हैं अलग इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग टू टेक्निकल वॉलेट। जय हिंद दोस्तों।